नूरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन के समर्थन में लोग खुलकर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। आज सुखार पंचायत में देखने को मिला है, यहां सुखार पंचायत में सैकड़ों लोगों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन का समर्थन देने का खुलेआम ऐलान कर दिया है। अजय महाजन ने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पर जोर दिया। सुखार पंचायत में सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। इसी प्रकार लगातार मिलते जन समर्थन को देखते हुए अजय महाजन ने सभी को आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है और कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे प्रदेश में फिर लहराएगा। कांग्रेस को मिल रहे भारी समर्थन के चलते अजय महाजन ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सुखार गांववासी ने कहा है कि मैं आज अजय महाजन की अच्छाइयों को देखते हुए इनको समर्थन देने का फैसला लिया है और मैंने अपने घर पर जो भाजपा का झंडा लगाया था उसकी जगह कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा दिया। गांववासियों ने कहा कि हमारी पसंद का नेता ही नहीं है, जब राजनीति में नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर, आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा भी रहा है और हो भी गया है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? सुखार पंचायत में आए हैं, जिस तरीके से लोगों ने आपको समर्थन दिया है उसको लेके क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और जो सुखार पंचायत में जिस ढंग से पूरी पंचायत का समर्थन आ गया है, पंचायत के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनका समर्थन आ गया है, बाकी साथियों का आ गया, मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे लग रहा है कि ये जो आने वाला जो रिजल्ट है 12 तारीख को, ये जो झंडा आज यहाँ हमने यहाँ पे इन्होंने बीजेपी का झंडा उतार के कांग्रेस लगाया है, ये 12 तारीख को ये फरफराएगा। अजय महाजन जैसा कि जहां के लोगों की समर्थन देने के अलावा उपेक्षा आपके ऊपर है, उसको लेके क्या कहेंगी? जो लोगों ने मेरे ऊपर अपेक्षा रखी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस अपेक्षा के ऊपर अच्छे ढंग से उतरूं मैं। और मैं अब मैं सारे पंचायत के बीच में कहा कि जो भी मेरे में कोई पिछली बारी कोई अगर कमियां रह भी गई होंगी उस इस बार वो नहीं दोहराई जाएंगी और जो डेवलपमेंट की गाथा हमने जो लिखी थी उसको हम आगे लेके जाएंगे और इसमें जो पंचायत के जो जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उनको पूरा हम सहयोग देंगे डेवलपमेंट करने के लिए। क्या कहना, हमारी पसंद का नेता नहीं था तो अगर कांग्रेस का लीडर छोड़कर बीजेपी में जा सकता और बीजेपी का लीडर कांग्रेस में छोड़कर जा सकता तो हम भी जहां मर्जी जा सकते हैं, जैसे हमें ये पसंद आ गया था हमें इनके पास चले गए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।